आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है, विल अ प्रेसिपिटेट एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम ऑफ हाफ लीटर ऑफ 4×10⁻²? मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2×10⁻³ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 आर मिक्स्ड एंड डाइल्यूटेड टू 10³ लीटर विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। जो KSP दिया है AlOH होल थ्राइस का, वो 5×10⁻³⁻³ ये आपको दिया गया, ठीक है। सो अगर बात करें कि प्रेसिपिटेशन कब आकर होगा, तो वो आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपका आयनिक प्रोडक्ट से कम होना चाहिए, तब आपका प्रेसिपिटेशन आकर हो। तो जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए दिया है, AlOH होल थ्राइस, सो इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, सो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो Al प्लस 3 प्लस 3OH माइनस, ठीक। सो इनका जो KSP होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, Al कंसंट्रेशन ऑफ Al प्लस 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर हो, मतलब 3, तो ये हो जाएगा आपका KSP। तो अब अगर बात करें कि इसमें कुछ चीज़ें मिक्स की गई हैं और आपको जो वॉल्यूम है वो आपको 10³ लीटर आपको बाद में बनाया गया, तो जो कैलकुलेशन है कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो हमको निकालनी पड़ेगी। सो AlCl3 और NaOH का जो कंसंट्रेशन है वो आपको निकालना है, और जो आपका टोटल वॉल्यूम है वो आपको 10³ लीटर बनाया गया है। तो अगर हम NaOH का कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, सो वो कैसे निकलेगा, क्या लिखा हुआ है, हाफ लीटर ऑफ 4×10⁻²। सो हाफ इंटू 4×10⁻², और जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो हमको 10³ लीटर जो है वो बनाना है, ठीक है। सो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तब आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 2×10⁻⁵ मोलर, और इसी तरीके से AlCl3 का कंसंट्रेशन भी हम लोग निकालेंगे। सो क्या दिया हुआ है, AlCl3 में हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, सो हाफ इंटू 2×10⁻³ डिवाइडेड बाई जो टोटल वॉल्यूम है वो 10³ है। सो यहां से आपका हो जाएगा 10⁻⁶ मोलर, ठीक है। सो ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो आपके NaOH के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से Al प्लस 3 का जो कंसंट्रेशन होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है कि वो दिया हुआ है, मैंने ऊपर लिख दिया था। सो अगर हम बात करें कि जो आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है आपका, Al प्लस 3 का कंसंट्रेशन, तो Al प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁶ इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 3, सो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 2×10⁻⁵ और होल पावर 3। सो यहां से आप निकालेंगे तो 10⁻⁶ इंटू कितना हो जाएगा, 8×10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8×10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। ये आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है, क्या ये आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ग्रेटर है, तो यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻²। तो ये 10⁻²⁻ जो है वो आपका ग्रेटर होगा 10⁻³ से। सो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो आपका ग्रेटर है KSP से। सो जब ग्रेटर है तो जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आपका आएगा,
ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका होगा। सो प्रेसिपिटेशन विल अकर बिकॉज आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन अकर्स। ठीक, दिस इज आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।